अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सराधना में बुधवार रात्रि को रात्रि चौपाल का आयोजन कर जन समस्याओं को सुनते हुए उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान पानी, बिजली, राजस्व तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रात्रि चौपाल में उपस्थित होकर अपनी समस्या बताई। उनके निस्तारण के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्रामीणों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित सीमा ज्ञान एवं तरमीम करने की संबंध में मांग की गई। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि राजीव कॉलोनी, स्टेशन रोड सहित अन्य कॉलोनियों में पेयजल समय पर नहीं आ रहा। इस पर जिला कलेक्टर ने पेयजल सप्लाई को लेकर अंतिम छोर पर बैठे परिवार तक पेयजल सप्लाई पहुंचाने के लिए निर्देश दिया। जिला कलेक्टर को दिव्यांग काश्तकार सावरलाल की हिस्सेदारी भूमि में काश्त करवाने के लिए आवेदन मिला। इस पर कलेक्टर ने राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्हें राहत प्रदान की जाए, मुख्य पाइपलाइन के अवैध नल कनेक्शन को अभियान चलाकर हटाया जाए, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त जाप्ता उपलब्ध करवाया जाए। रात्रि चौपाल में जयराम लोहार एवं उनके परिवारजनों ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आग्रह किया। इस पर जिला कलेक्टर ने पाननहार योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। रेगरान मोहल्ले में पेयजल सप्लाई की जांच कर नियमित पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सराधना के आबादी क्षेत्र में गुजरने वाली सर्विस रोड पर ब्लॉक स्पॉट को दूर करने के साथ ही सर्वे कर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा एक्टिविटी की जाए। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि खेत तथा आबादी भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन जा रही है, जिसे सही कराया जाए। इस अवसर पर सरपंच सराधना हरिकिशन जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी, उपखंड अधिकारी पद्मा, जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका तलानिया, अजमेर विकास प्राधिकरण के सूर्यकांत शर्मा, तहसीलदार विपुल चौधरी, विकास अधिकारी शिवदान सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। साथ ही पानी की समस्या भी यहाँ का है। दो दिन में पूरे सर्वे कराते हुए बताया कहाँ कहाँ क्या समस्या है। एन एच आई कर एन एच आई वालों को बुलाते हुए यहाँ के बारे में बात करें। साथ ही डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर सर एक विद्युत लाइन के लेकर भी बात है कि शिफ्टिंग जो है लाइन जो आबादी क्षेत्र से नीचे गुजर रही है उसको भी मैंने कहा है। ठीक।